सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो 2022 आ चुका है लेकिन अभी तक हमें सैमसंग की तरफ से ज़्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हुए नहीं दिखा है। सैमसंग ने रिसेंटली में अपना S22 सीरीज को लॉन्च किया, उसके बाद सैमसंग का A03 लॉन्च किया है सैमसंग ने, और अभी आने वाले दिनों में आप लोगों को और बाकी स्मार्टफोन्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अब रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहा है कि जो मार्च के सेकेंड वीक में आप लोगों को सैमसंग के F सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी F23 देखने को मिलने वाला है, जो कि एक 5G बजट स्मार्टफोन होगा। और इस स्मार्टफोन में सैमसंग आप लोगों को देने वाला है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G। तो ये सोच के और ये जो लीक्स देख के मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों को लगभग 20,000 के अंदर इतना अच्छा स्मार्टफोन सैमसंग यहाँ पर देगा। और प्रोसेसर जो है 750G, ये काफ़ी पावरफुल और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और नो डाउट अगर सैमसंग ऐसा प्रोसेसर आप लोगों को इस प्राइस सेगमेंट में देता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है, और लोगों को ये चीज़ें पसंद यहाँ पर आएगा ही आएगा, क्योंकि सैमसंग का स्मार्टफोन लोग इसलिए बाय नहीं करते थे पहले कि प्रोसेसर आप लोगों को वीक मिलता था, लेकिन आज के टाइम में आप लोगों को एक से बढ़कर एक अच्छे और लेटेस्ट प्रोसेसर सैमसंग ही अपने स्मार्टफोन में दे रहा है, वो भी क्वालकॉम के। मीडियाटेक का तो हर कोई यूज़ कर रहा है लेकिन क्वालकॉम के प्रोसेसर आज के टाइम में कुछ ही कंपनीज यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो F23 आएगा ये सैमसंग के लिए काफ़ी एक मार्केट चेंजिंग हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी F23 के अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G का SoC मिलेगा, 6.6 इंचेस का आप लोगों को 1080p सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, इन्फिनिटी वी शेप में आप लोगों को वाटर ड्रॉप डिस्प्ले ही मिलेगा। लेकिन हाँ, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा यहाँ पर होने वाला है, 6GB 128GB और 8GB 128GB का आप लोगों को वेरियंट इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है। बात करते हैं बैटरी की, तो आप लोगों को 6000mAh का बैटरी इस स्मार्टफोन में मिलेगा। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 6000mAh का बैटरी मिलने वाले, जो कि सच बोलूँ तो प्रोसेसर इतना अच्छा है, डिस्प्ले इतना अच्छा है, तो जो ऑप्टिमाइजेशन होगा बैटरी का वो काफ़ी कमाल का होगा, और आप लोगों को बैटरी को लेके कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है जहाँ तक मेरा आइडिया है। बैक साइड में आप लोगों को 64MP का कैमरा का सेटअप मिलेगा, और सेल्फी के लिए आप लोगों को 20MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। एंड्रॉयड का 11 ही बताया जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर एंड्रॉयड 12 दे, क्योंकि 2022 आ चुका है और बड़े बड़े स्मार्टफोन ऑलमोस्ट हर एक कंपनी अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 12 के साथ ही लॉन्च कर रहे हैं, तो सैमसंग भी अगर एंड्रॉयड 12 के साथ लॉन्च करते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। और एक चीज़ में कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर आप लोगों को शायद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का स्कैनर मिल जाए या फिर आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का स्कैनर मिलेगा। तो जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का स्कैनर नहीं मिलेगा, आपको साइड माउंटेड ही फिंगरप्रिंट का स्कैनर यहाँ पर सैमसंग देने वाला है, क्योंकि इतना कम प्राइस में सभी कुछ एक ही फ़ोन में तो सैमसंग देगा नहीं, आप लोगों को पता है। तो जहाँ तक लग रहा है कि आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का स्कैनर ही मिलने वाला है। ओवरऑल फोन ऑन पेपर और लीक्स में काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं कि जब एक्चुअली ये स्मार्टफोन आता है तब कैसा रहता है। प्राइसिंग मेरे ख्याल से 20,000 या फिर 18-19 के आसपास ही रहेगा, अगर देखते हैं कि इससे ऊपर भी जाए तो 1-2 हज़ार ऊपर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग प्राइस 20,000 अभी रहने से मेरे ख्याल से एक अच्छा डील है लोगों के लिए। अब आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।